तो मैकेनिक भाइयों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर बाइक का जो गियर बॉक्स होता है, हम लोग फिटिंग किस तरह से करें, क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक जो है इंजन खोलते हैं और गियर बॉक्स का पिनियम चेंज हो जाता है और कहीं उलट पलट कर देते हैं और वॉशर वगैरह गलत कर देते हैं। तो इसलिए गियर बॉक्स का पिनियम बताऊँगा, पूरा खोल के आप लोग को स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। क्योंकि अगर जब भी गियर बॉक्स का जो हम लोग का डाइव जो शाफ्ट होता है और इनपुट आउटपुट जो शाफ्ट होता है, अगर कहीं हम लोग का टूट जाए, अगर हम चेंज करें, तो अगर बाई चांस पिनियम हम अगर खोलते हैं तो पिनियम अगर गलती से भी चेंज हो जाता है तो गियर बॉक्स का हम लोग का सेटिंग ही ख़राब हो जाएगा। और अगर गियर बॉक्स का पिनियम अगर सेट ना करे तो जैसे कि हम लोगों का गियर बॉक्स का पिनियम ही टूट जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएँगे गियर बॉक्स खोल के अच्छी तरह से फिटिंग करने का सही तरीका, गियर बॉक्स किस तरह से हम लोग फिटिंग करें, किक शाफ्ट किस तरह से हम लोग फिटिंग करें। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को सबसे पहले हम खोल के दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग जैसे कि गियर बॉक्स को खोले। तो ये जो हम लोगों का कंपनी से वाशर रहता है, पंचिंग रहता है, तो हम आपको तरीका बताते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके मारो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता करके मारो, ये ऑटोमेटिक हमारा वाशर खुल जाएगा। तो ये देखो वाशर हमारा खुल गया है। आप आपको सही तरीका बताते हैं किस तरह से आप लोग खोल के चेंज करें। तो जैसे कि वाशर सबसे पहले खोला, उसको यहाँ खोला, उसके बाद जैसे कि ये खोला, उसके बाद हम लोगों का वाशर रहता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों का जैसे कि ये रहता है, अब हम लोगों का जैसे कि एयर डाइव का जो ये होता है, इसको हम खोलेंगे, ठीक है। तो चलो हम आपको तरीका बता दें किस तरह से आप लोग खोलें। तो जैसे कि आपके पास लॉक प्लस होना चाहिए, तभी आप लोग खोल सकते हैं अच्छी तरह से, वरना आपका लॉक ख़राब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लोगों का पिनियम होता है, वाशर होता है, वाशर ये, ठीक है। और उसके बाद ये पिनियम होता है और उसके बाद ये वाशर होता है। तो पूरा सिस्टम आप लोगों को बता दिया जो खुला हुआ है, ठीक है। तो चलो पहले इस ड्राइव को इस शाफ्ट को हम लोग सेटिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद इसको खोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे भरेंगे, तो इसे भर दिया, उसके बाद हम डालेंगे इसको इस तरह से, उसके बाद हम डालेंगे ये वाशर, ठीक है, डाल दिया। अब हम डालेंगे इस लॉक को, ठीक है, इस लॉक को डालेंगे। डालने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता करके ले जाएंगे और जब नज़दीक चल जाएगा तो इसे लॉक हो जाएगा। तो फिलहाल ये लॉक हो चुकी है, अब इसको हम भरेंगे। तो चलो किस तरह से हम भरते हैं, यहाँ देखिए इस तरह से नहीं जा रहा है, ठीक है, इस तरह से ये नहीं जा रहा है। अब इसको घुमा दीजिए, ये जाके ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगा, ये सेटिंग हो गया। अब हमको डालना है ये वाशर, ठीक है, अब डालना है हमको ये बूश, अब डालना है इस पिनियम को इस तरह से डालना है, ठीक है। इस तरह से हमने डाल दिया, अगर इस तरह से आप लोग डालें तो गियर बॉक्स का जैसी सेटिंग नहीं आएगा। आप लोगों को काटिंग देख लेना चाहिए, ठीक है, इसको आपको इसी हिसाब से ही लगाना है। अब इसको लॉक करेंगे, तो चलो ये हमारा जो प्लग रिंच है, इसे मारिए, बस ये हमारा लॉक हो चुकी है, ठीक है, चुकी है, ठीक है। और ये ज़रूरत नहीं जो इसको लॉक करना पड़े। अब इसको हम इस तरह से शेडिंग कर देते हैं, तो हमारा शेडिंग हो गया। अब हम आपको तरीका बताते हैं जो हमारा गियर बॉक्स सही हुआ है कि नहीं। तो देखो हमारा गियर बॉक्स एक दूसरे का साथ संपर्क हो चुकी है। तो चलो ये हमारा गियर बॉक्स शेडिंग हो चुकी है, अब फिलहाल इसे भी खोलना है। तो ये भी हमारा लॉक है, तो चलो इसे इस तरह से हम लोग मारेंगे, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो चलो इसे हम इस तरह से रख देते हैं, पहले वाशर रहेगा, उसके बाद एक वाशर डालेंगे यहाँ और ये लॉक रहेगा, ठीक है। इस लॉक को खोल लेते हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से बताते हैं कौन सा वाशर कहाँ डालना पड़ेगा। तो चलो इसे भी डाल दिया और ये भी लॉक करा हुआ है, तो चलो इसे भी हम लोग खोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाए कोई भी फ़र्क नहीं, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो चलो इस लॉक को खोला और यहाँ रख दिया, और एक इसमें वाशर होता है, देखो एक वाशर होता है। तो चलो जब भी शाफ्ट चेंज करो, अब किस तरह से आप लोग चेंज करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, इसको आप अच्छी तरह से लगा लीजिए, उसके बाद एक वाशर डालिए,
उसके बाद इस लॉक को लॉक करना पड़ेगा। तो चलो किस तरह से लॉक करें, लॉक पुलर की मदद से हम लोग बस चला गया और आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग इसे सेटिंग हो गया। ठीक है, ये सेटिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ गलती कर देते हैं मैकेनिक भाई, वो यहाँ सेटिंग नहीं हो रहा है तो इसको हमको उल्टाना पड़ेगा। उल्टा दिया, ठीक है, अब हम लगाएंगे इसमें लॉक, इसमें लॉक लगाएंगे। लॉक हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है, इसी जगह पर रहेगा। उसके बाद हमको डालना है वॉशर, डालना है, उसके बाद हमको ये पिनियम डालना है। ठीक है, ये हमारा सेटिंग हो गया है, अब हम डालेंगे ये वॉशर। तो चलो वॉशर को हम लोग पांच करते हैं, मारिए बस, ये हमारा पांच हो चुकी है। ठीक है, अब फीडिंग करने का बाद आप लोगों को चेकअप कर लीजिए इस तरह से, जो एक दूसरे का साथ संपर्क आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा गियर बॉक्स सेटिंग हो गया। अब आपको प्रैक्टिकल बाइक में फीडिंग करके दिखाता हूँ जो हम लोगों का गियर बॉक्स चालू हो रहा है कि नहीं, ये चेंजर लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम गियर बॉक्स को फीडिंग करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, गियर बॉक्स हम फीडिंग करेंगे इस तरह से, ले जाएंगे, बस हमारा बैठ चुकी है। ठीक है, अब हमारा जो चेंजर है, ये चेंजर हमको गौर करना है कौन सा चेंजर कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो चलो हम आपको दिखाते हैं। तो इसको सेटिंग करते हैं, सबसे पहले हम इसे भरते हैं। तो ये वाला इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, ये वाला इसमें नहीं लगेगा, तो थोड़ा हमको शेफ को ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर को खींच लिया, अब यहाँ हमने इस तरह से रख दिया है। अब यह गियर जो चेंजर है हमको भरना है इस जगह पर, तो थोड़ा हमको गियर बॉक्स का पिनियम को घुमाना पड़ेगा और ऊपर उठाना पड़ेगा। बस ये सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब हम डालेंगे पिन। पिन डालने के बाद थोड़ा इसमें हम पांच करेंगे, ये पिनियम बैठ चुकी है। अब यहाँ देखिए, हम लोगों का एक दूसरे का संपर्क आ चुकी है और गियर बॉक्स इसी तरह से हम लोगों का सेटिंग होता है, जैसे कि अभी न्यूट्रल पोजीशन में है। ठीक है, अब एक नंबर गियर में देता हूँ, देखो हमारा हाउसिंग ड्राइव घूम रहा है, और दो नंबर गियर में दे रहा हूँ। अभी गियर सेटिंग ठीक से नहीं आएगा, आप लोगों को हम इंजन फिट करके दिखाता हूँ। तो इंजन फिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर इंजन का वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा सुपर स्प्लेंडर बाइक का फुल इंजन किस तरह से फिटिंग करते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको चेंबर लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग गियर बॉक्स का चेंजर खिला के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलो हम सबसे पहले फीडिंग करने से पहले किक को हम लोग सेटिंग करेंगे। तो आप लोगों को बता देते हैं, अगर ये सही थे, अगर हम लोग फीडिंग ना करें तो इसमें आवाज़ आ जाएगा, देखो आता है और यहाँ नहीं आता है। इस तरह से ले जाएंगे, आवाज़ आएगा और इस तरह से नहीं आएगा। तो यही चीज़ हम लोगों को गौर करना है। तो चलो हम आपको बताते हैं सही तरीका। यहाँ हमने रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब जैसे कि हमारा डॉग है, हम इसी से भी लगा सकते हैं, इसी से भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि इस तरह से लगा दिया, अब इसको हम खींचेंगे इस तरह से, देखो ऑटोमेटिक आ गया है और यह हमारा सेंटर भी हो चुकी है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, जो इसको भरेंगे आहिस्ता करके, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम ले जाएंगे, बस लेके गया। और ले जाने के बाद ये जो बूस है, हम इसी तरह से थोड़ा इसको, बस हमारा कीक रेजर सेटिंग हो चुकी है। अब हम खुद दिखाते हैं, ये जो कीक है देखो हाउसिंग टाइप को घुमा रहा है और रिटर्न भी जा रहा है और ऑटोमेटिक छोड़ दे रहा है। तो इसी तरह से सेटिंग करते हैं, अब आपको हम बताते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, अब हम आपको दिखाते हैं, जो मेरा गियर बॉक्स तो फिटिंग हो चुकी है, अब हम आपको तरीका बताते हैं। पाँच नंबर एलिंग की लाइए, तो मेरा जो पाँच नंबर एलिंग की अभी लगा दिया है और मैंने देख रहा हूँ बाइक न्यूट्रल पर है। ठीक है, तो अब हम जैसे कि बाइक को
एक नंबर गियर में दिया। तो देखो मेरा ड्राइव चेन का शाफ्ट को घुमा रहा हूँ तो हाउजिंग को घुमा रहा है। अब तीन नंबर गियर में ले जा रहा हूँ, देखो तीन नंबर गियर में ठीक गिर रहा है, चार नंबर भी गिर रहा है, चार नंबर गियर भी ठीक है। अब देखो चार नंबर गियर, तीन नंबर गियर, दो नंबर गियर, एक नंबर गियर और अभी न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया बस। तो गियर बॉक्स आप लोगों ने देखा जो हमारा सेटिंग ठीक है। तो मैकेनिक भाइयों वीडियो अच्छा लगे रहे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।